ग्राम पंचायत सनीरा विकास खंड जुंडुत्ता। तो सर 97 में हम सिलाई अध्यापिका जो हैं वो विकास खंड अधिकारी और SDM के उस पे ली गई थी, अनुबंध के आधार पे ली गई थी। तो सर 97 में आज तक 2021 हो गया, लेकिन हमारे लिए आज तक कोई नीति नहीं बनी। तो सर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 24 वर्ष बीत गए, लेकिन हमारे लिए कोई आज तक पॉलिसी जो है नहीं बनी। तो इसके लिए ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है सर जहां पे 24 साल कार्यकर्त कर्मचारी जो है उन्हें नियमित नहीं किया जा रहा है? तो वो भी तो रेगुलर है ना सर। तो इसलिए हम महिलाएं हैं, एक तरफ तो सरकार बोलती है महिला सशक्तिकरण है, पर दूसरी तरफ हमारा शोषण हो रहा है सर। तो इसलिए सर हम जो जितनी ऑल टेलरिंग टीचर पूरे हिमाचल में है उन्हें अनुबंध के आधार पर नियमित किया जाए, मेरा सरकार से अनुरोध है। कई बार सर हम मुख्यमंत्री और पंचायत मंत्री से मिले, लेकिन हमें एक निराशा मिली, आज तक हमें नियमित नहीं किया गया सर। 24 वर्ष बीत गए, हम पंचायत सचिव का कार्य कर रहे हैं सर, 10 से 5, पहले तो 4 घंटे ड्यूटी होती थी हमारी सर, लेकिन अब हमारी ड्यूटी जो है वो 10 से 5 है और पंचायत सचिव का कार्य कर रहे हैं। तो इससे सरकार से हमारा अनुरोध है कि हमें जल्द से जल्द हमारे लिए कोई पॉलिसी बने, हमारी नीति बने, उसके लिए हमें अनुबंध के आधार पर सभी सिलाई अध्यापकों को रेगुलर किया जाए। धन्यवाद सर। जसवाल GP बड़गांव ब्लॉक झुंडुता और सिलाई अध्यापिका संघ की सेक्रेटरी हूँ। और सर मात्र हमारे को 7100 रुपये मिलता है सैलरी, मैं सिलाई अध्यापिका संघ की सेक्रेटरी बोल रही हूँ, इसलिए कि 7100 रुपये में हमारा गुजर बसर करना बहुत ही कठिन है। और कई महिलाएं बेचारी ऐसी हैं हमारे टीचर जो विडो हैं, उनका गुजारा करना जो है बड़े मुश्किल से होता है। तो इस हमारी विनती सरकार से यही है कि कोई ठोस नीति बना के हमें किसी अच्छे जगह एडजस्ट किया जाए, और हम चाहते हैं कि हमारा शोषण ना हो और हमारी कोई पहचान हो। आपका ग्राम पंचायत गाड़ियां विकास खंड झुंडुत्ता, आज हमारा संगठन यहाँ पर कुछ मुद्दों की चर्चा के लिए एकत्रित हुआ है। जो मुद्दाएं इस प्रकार हैं, हम सभी सिलाई अध्यापिका सन 1997 से सिलाई अध्यापिका के पद पर विधिवत तरीके से कार्यरत हुई हैं, परंतु आज 24 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी किसी भी सरकार ने हमारी सुध नहीं ली। तो हमारा सरकार से अनुरोध है कि हम एक टेक्निकल ट्रेड से हैं, तो कम से कम हमें जब तक हमारे लिए कोई ठोस नीति नहीं बनती तो हमें टेक्निकल ट्रेड दिया जाए। 2017 से हिमाचल सरकार ने सिलाई अध्यापकों के लिए 10 से 5 बजे का कार्यकाल सचिवों के साथ शुरू किया। इसमें हम सब लोग सचिवों के साथ काम करते हुए भी हम लोगों की कोई पहचान नहीं है। हम चाहती हैं कि हमें इस काम के लिए चिन्हित किया जाए, और हमारी जो सैलरी है वो प्रधान और सचिव के द्वारा ना भेजकर हमारी सीधी अपने खातों में आए। ये आज के महंगाई के दौर में हमें जो 7100 मानदेय दिया जा रहा है, ये ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। हम चाहते हैं कि हमें कम से कम एक टेक्निकल दिहाड़ी या पंजाब पैटर्न पर न्यूनतम वेतन दिया जाए। और सरकार ने जनवरी 2020 में जो हमारे लिए एक सचिवों का 20% कोटा किया था, ये बहुत कम है। इसमें हमें 100% किया जाए या हमारे लिए कोई नियमित नीति अपनाई जाए। धन्यवाद।